ये सब साइन हैं प्रभु यीशु मसीह को जो दिए गए हैं। बहुत गहराई है इसके अंदर कि यीशु मसीह के जन्म पर ये भेंट क्यों दी गई है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, आपको मुबारकबाद देते हैं। आज हम बात करेंगे तीन जोशियों के बारे में, यानी तीन जोशी जिनको तीन राजा भी कहा गया है, और वो पूरब देश से जो वो आए थे उनके बारे में आज बातचीत करेंगे। जब हम इनके बारे में बातचीत करते हैं तो तीन जोशी यानी भविष्यवाणी जो की गई है यशाया नबी के द्वारा की गई है, और यशाया नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी इनकी की गई है 739 BC से लेकर 681 BC के बीच में जो है भविष्यवाणी की गई है। हमारे मसीह समाज के अंदर बहुत सी गलत फहमियां हैं। एक और गलती जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि चार ज्योतिषी जो थे, चार विद्वान जो थे, चार राजा जो थे वो पूरब देश से आए थे, और एक जो विद्वान था या एक जो राजा था वो रास्ते में भटक गया था, रास्ते में भटक गया था। अब ये जो चार राजा जो रास्ते में आ रहे थे और एक रास्ते में भटक गया, इसके बारे में लोग कहते हैं कि वो जो था वो जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगा था तब वो आया उससे मिलने। मुझे ये समझ में नहीं आया, बाइबल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर वो आया तो लाजमी बात है कि भेंट भी लाया होगा, तो वो कौन सी भेंट लेकर चला, क्या भेंट लेकर चला, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जो हैं वो हमारे मसीह समाज में जो है वो खास तौर से जो परमेश्वर का वचन है उसके अंदर जो है वो मिलावट की गई है। और पौलुस एक बात कहता है कि हम परमेश्वर का वचन जो है मिलावट का वचन नहीं सुनाते हैं, या मिलावट के साथ परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाते हैं। देखिए, परमेश्वर के वचन में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो तीन ज्योतिषियों का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। वहां लिखा है कि कुछ ज्योतिषी जो थे, कुछ विद्वान जो थे, कुछ राजा जो थे, वो जो थे उस तारे का पीछा करके यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए वो आए, और उनमें से तीन ने अपनी अपनी जो भेंटे थी वो दी है। सवाल ये उठता है, ये तीनों जो विद्वान थे, ये तीनों जो थे अलग अलग देश से आए हुए थे। अब अलग अलग खासतौर से उन तीनों की बात करते हैं जिन तीनों ने जो भेंट चढ़ाई थी, सोना, लोबान और मूर जो था वो चढ़ाया था। ये तीनों अलग अलग पूरब देश के जो थे ये राजा थे, और उस ये खगोल शास्त्री थे। यानी खगोल शास्त्र का मतलब होता है कि आकाश की जो भी शक्तियां या जो भी चीजें, तारे हो गए, ग्रह हो गए, या उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करते थे। और जब इन्होंने आकाश के अंदर वो खोज कर रहे थे तो उन्होंने एक तारे को बड़ा शाइनिंग करते हुए, बड़ा चमकते हुए उन्होंने देखा, और देखा कि वो धीरे धीरे चल रहा है। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई, और जब उनकी ये जिज्ञासा बढ़ गई तो वो उस तारे का जो है पूरी तैयारी के साथ पीछा करने लगे। मगर पूरी तैयारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जब उस तारे पर रिसर्च करी तो उन्होंने ये लगाया, ज्योतिषी थे, जानकार थे कि आखिर इस तारे का अर्थ क्या है, उन्होंने ये पता लगा लिया। उनके दिल दिमाग के अंदर कहिए तो परमेश्वर की ओर से या पवित्र आत्मा की ओर से जो था ये सारी चीज बैठ गई कि कोई महान ईश्वरीय शक्ति जो है वो इस दुनिया में पैदा हुई है और हमें उसका दर्शन करने जाना चाहिए। ये तीनों जो थे अपने अपने देश से निकलते हैं, क्योंकि जब तीन की बात है तो मैं तीनों की बात करूंगा। अब ये तीनों जो है, एक था हिंदुस्तान का। अब आप कहोगे हिंदुस्तान का कैसे, क्योंकि हिंदुस्तान का इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत खजाना, बहुत सोना, हीरे जवाहरात जो थे बहुत हिंदुस्तान के अंदर था, सोने की चिड़िया उसको कहा जाता था। इसलिए जो सोना लेकर जो चला है, और वो हिंदुस्तान का जो ज्योतिषी था या राजा था या खगोल शास्त्री था, वो जो था वो सोने को लेकर जो है लेकर चला है। और वो सोना लेकर क्यों गया, क्योंकि एक राजा के लिए सबसे उत्तम भेंट जो होती है वो सोने की, वो उसको
यह मान बैठा था कि कोई महान राजा जो है वो पैदा हुआ है। दूसरा जो है यूनान से चला था। यूनान के अंदर क्या होता, लोबान जो है सबसे उत्तम लोबान यूनान के अंदर मिलता है, और यूनान का जो शास्त्री था या विद्वान था या राजा था वो लोबान लेकर चला है। और एक लोबान जो है वो किसको भेंट चढ़ाई जाती है, ईश्वर को, जो ईश्वरीय पद्धति में पैदा हुआ या जो ईश्वर है उसको लोबान जो है वो भेंट चढ़ाई जाती है। अब तीसरा जो है वो मिस्र से चला। अब आप कहोगे भाई मिस्र से कैसे चला, मिस्र से इसलिए चला क्योंकि मिस्र के अंदर जो मुर होता है, यानी जब जो डेड बॉडी पर लगाया जाता है, आपने देखा होगा जो ममीस वगैरह बनती हैं वो मिस्र के अंदर ही बनती हैं, यानी जो मर जाता है उसके लिए जो है वो मुर वगैरह और भी मसाले लगाए जाते हैं जिससे जो होता है वो बॉडी सड़ती नहीं है और उसमें बदबू नहीं आती है और वो सुरक्षित रहती है। तो यीशु मसीह जो है उसने ये पता लगाया, ये महान राजा या ये ईश्वर जो पैदा हुआ है लोगों के पापों के बलिदान के लिए हुआ है, इसलिए वो मुर लेकर चला कि उसको मरना है। ये सब साइन है प्रभु यीशु मसीह को जो दिए गए हैं। बहुत गहराई है इसके अंदर कि यीशु मसीह के जन्म पर ये भेंट क्यों दी गई है। और ये तीनों जो थे अपने अपने देश से जो है वो चले हैं। अब अपने अपने देश से जब चले हैं तो ये कहां आकर मिले, ये अरब के रेगिस्तान में मिले। अरब के रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या में उस समय जो था कोई बहुत जलसा या कोई चीज मनाई जा रही थी, और इन लोग जो थे इन्होंने अपने तंबू जो थे आसपास लगा लिए। अब जब तंबू आसपास लगा लिए तो नेचुरली बात है कि हम लोग जब आसपास कहीं ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं, हमारे आसपास बैठते हैं, हम लोग एक दूसरे का परिचय करते हैं, और भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या नाम है, क्या है, बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि सफर जो है बड़ा लंबा कट जाए जो होता है वो आराम से कट जाता है। तो ये जब तीन थे इन्होंने भी आपस में परिचय करा, तब इन्होंने कहा कि जब हमारा मकसद एक है, हमारी दिशा एक है, तो हमारा लक्ष्य एक है, तो हम तीनों क्यों ना यहां से एक साथ चले। वहां से वो तीनों जो थे अरब के रेगिस्तान से एक साथ जो है वो यरूशलम के लिए निकलते हैं उस तारे का पीछा करते करते। और मैं आपको एक चीज ये बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ मती की इंजील में ही नहीं लिखा है, यानी मती दो अध्याय में नहीं लिखा है कि वो तारे का पीछा करते करते गए, परंतु इसकी भविष्यवाणी जो है वो की गई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यशाया नबी के द्वारा जो है इसकी भविष्यवाणी की गई। मैं आपको वो पद भी दे देता हूं और पढ़ लेते हैं, यशाया 60 अध्याय और उसका 6 पद, जरा ध्यान दीजिएगा। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिधान और एपा देशों की सांडनियां इकट्ठी होंगी, शिवा के सब लोग आकर सोना और लोबान और भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणगान बाद आनंद से सुनाएंगे। देखिए क्या बात है, यहां पर जो है वो भेंट जो है वो लाएंगे और यहोवा यहोवा का गुणगान बाद यानी महिमा जो है वो सुनाएंगे। और ये सारी चीजें जो थी वो हुई हैं। यहां पर लिखा हुआ ना, जब आप मती दो अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे कि पूर्व से कई जोशी जो थे वो यरूशलम में आकर पूछने लगे, क्या पूछने लगे, कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ वो कहां है। यहां पर जो है बड़ी ध्यान देने की बात है और इसको समझने की बात है। और ये यशया की ये जो भविष्यवाणी है ये यीशु मसीह के जन्म पे जो 4 BC में हुआ उस समय पूरी होती है, और परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। परंतु यहां मती 2 अध्याय उसका 11वां पद जब हम पढ़ेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर, देखिए जो बात यशाया नबी कह रहा ना कि उसकी महिमा करेंगे, उसको दंडवत करेंगे, उसका गुणगान बात करेंगे, आनंद के साथ उसको सुनाएंगे, यहां पर उसकी महिमा जो है वो करने लगे। क्या करने लगे, वो गिरकर मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना लोबान और गांधरक की भेंट चढ़ाई। यहां पर ये चीजें जो हैं वो चढ़ाई इन तीनों राजा ने। मैंने आपको बताया सोना एक राजा के लिए उत्तम गिफ्ट है और भेंट है, और लोबान ईश्वर के लिए
उत्तम भेंट है जो ईश्वर को चढ़ाई जाती है। मुर यानी यीशु मसीह के दफन होने की, यानी यीशु मसीह के मरने का जो है वो चिन्ह है। तो ये जो चीजें यीशु मसीह के पैदा होने पर इन तीन ज्योतिषियों के बारे में है वो ये चीज है। और बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात अभी और आगे है। जब हम तारे के विषय में पढ़ेंगे तो हम फिर इन ज्योतिषियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो तारे का मकसद था क्या, वो तारा है क्या, वो तारा है कौन, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।